पाकिस्तान के ताजिर वाले जो पाक चाइना से तजारत करते हैं, 20 माह से तजारत बंद होने की वजह से विभिन्न पाकिस्तान के छोटे बड़े ताजरों को कोविड एहसास में नुकसान हुआ, जबकि कोविड की वजह से दिगर ममालिक पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर चाइना के साथ रहते हैं वहाँ पर तजारत जारी है और विभिन्न पाकिस्तान के तमाम ताजिर चाइना तजारत बंद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फॉरन मिनिस्टर, वजीर तजारत और पाकिस्तान में मुकीम चाइनीज सफीर से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ताजरों का जो ये अहम मसला है फौरी तौर पर हल किया जाए। यूपी पाकिस्तान के छोटे बड़े ताजरों के माश का जरिया वाहिद चाइना बॉर्डर है, जिसके 80% जो ताजिर हैं इस जरिए माश से अपना रोजगार चलाते हैं। इसको फौरी तौर पर हल करें और बॉर्डर पर जो सी पे गेट का रूट है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फार्मेयर के लेटर के काफ़ी साथ दर्ज है जिसमें पाक चाइना बॉर्डर ओपनिंग का नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन चाइना साइड के जो ऑफिशियल है इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो माल अंदरून चैनल से इस प्रोडक्शन के बाद हमने मंगवाया था अंदरून चैनल से वो माल चाइना के गोदामों में अपना बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह ताजरों को और बहुत से नुकसान का खदशा है। आजकल के अंदर दयामल, बाशा डैम, दासू डैम, महमद डैम समेत कई प्रोजेक्ट का सामान भी काश्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए हम हुकूमत और फॉरन अफेयर और चाइनीज इंडस्ट्री और फौज पाकिस्तान के सरकार से हमारी ताजरों की तरफ से पुरजोर अपील है इस मसले को फौरी तौर पर हल करें और पाक चाइना बॉर्डर सी पे रूट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जबकि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ है बॉर्डर के हवाले से, वो वायर इंतजार दिल्ली पाकिस्तान से जो फ्रेट है वो कभी भी बंद नहीं कर सकते, उस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट का लिखा है जो 1950 में हुआ है। और पाकिस्तान दोस्ती का यह मिसाल है और भारत के एहकाम को न मानना चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल निशान। अगर हमारे जायज मुतालबात को फौरी तौर पर हल नहीं किया गया तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत के वक्त को जिम्मेदारों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे छोटे बड़े ताजिर फाख कशी पर मजबूर हुए हैं। हमने फैसला किया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर पाक चाइना बॉर्डर के जो नोटिफिकेशन फॉरन अफेयर ने किया है 1 जून को, उस पर अमल दरामद करके चाइना से कार्गो सिस्टम को बाहर नहीं किया गया तो दिल्ली पाकिस्तान के जितने ताजिर हैं जो ट्रेड से वाबस्ता हैं वो इंतजार का जितने हैं जो इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के दीगर शुरू में मुकम हैं वो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और फॉरन अफेयर के सामने हम एक अमन अलामती करना थे, क्योंकि 2 सालों से जो भारत ट्रेड बंद है वो तो कोविड की वजह से चाइना ने तमाम ट्रेड को बंद किया हुआ था, लेकिन चाइना के साथ जो भारत उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान में जो ट्रेड है वो 6 सालों से चल रहा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा हसास इलाका है और बहुत से दुश्मन मालिक के नजरे भी उस इलाके के ऊपर है, वहाँ पर कोई और इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ रोजगार के मौके नहीं है, जो कुछ है वो पार चाइना बॉर्डर ट्रेड की वजह से ये भी 2 सालों से बंद पड़ा है और दुदशी जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी वजह से हमने इन चेहरे से जितने काश्कर के अंदर माल होता नहीं जो क्या है वो गांधू हांगू लांगू चेंगाई भीजिंग चंदाओ उस शहर में है, वहाँ से सामान के हमने बुकिंग की है। हमारे ताजुबों में मुख्तलिफ सामान है जिसमें फ्रूट भी है, क्रांति भी है, गारमेंट भी है, पार्क भी है, आटो पार्क भी है, कार भी हैं, मुख्तलिफ तो एशिया जो पाकिस्तान में आते हैं, तो हम समझते हैं कि अगर नहीं खोलना था तो फार्म फेयर के नोटिफिकेशन क्यों हुआ। अगर फार्म फेयर फार्म फील करती है फार्म के साथ हमारे चेहरे के साथ जो इंतजार के जो तमाम मामला फार्म फेयर चला तो उसके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं होना ये बहुत बड़ा सवाल है। इंशान है पाक चीन दोस्ती पर पूरे पाकिस्तान पूरा गिलगित बल्तिस्तान के लोग फख्र करते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत लाजवाब है। क्या यही दोस्ती है? 2 सालों से कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो भी मुकम्मल हो चुकी है,
कोविड इस वक्त 0% है, तमाम तालिबान ने सोच के अंदर दुकानदार से लेकर कस्टम ऑफिसर से लेकर तालिबान है उनकी जो वैक्सीन है उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं, वैक्सीन भी चाहिए था कोविड का जो है ना शुरू के जो है ना जो हवा चली वो भी चाहिए से। आज हम समझते हैं कि इस ऐसे सूरत हाल में ये कोई दोस्ती नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के उठते जाते हो, उज्बेकिस्तान के उठते जाते हो, आप उज्बेकिस्तान के लिए बोलो, आप वाइट राइटर खान टांगर खो दो, सी पोर्ट स्टॉन खो दो और गिलगित बल्तिस्तान के तालिबान का दरिया अंदर बंद करेंगे तो यकीन इस गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में एक जो है एहसास होगी आगड़ी पाई जाती है। तो आईनी हैसियत की वजह से जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी कि उसकी हम बातें करते हैं ये ट्रेड के हवाले से आज बेहतर सालों से लोग मायूस हैं। अगर यही सूरत हाल चैनल के साथ काम कर रहे हो तालिबान साथ भी हो तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके नतज कोई अच्छे नहीं मिलेंगे। पूरा अमन इंतजार आई पाकिस्तान के मुताबिक हमारा जरूरी हक है। अगर ये ट्रेड नहीं चलाते हैं तो ये याद रखिए अगर ये ट्रेड गिलगित बल्तिस्तान के तालिबान के मुकाबले नहीं चलेगा तो फिर हम किसी के मुकाबले चले वो ट्रेड करना नहीं देंगे और फिर बोर्ड को ट्रेड को चल देंगे। जब बोर्ड को बंद करना है तो मंडला बॉर्डर पर बात करें और उसके बाद एक बार चैनल सारे इंतजार को मुकम्मल बंद नहीं होना चाहिए। अगर भी वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेड करके स्पेड को चलाना है तो हमें समझता हूँ कि आपके वजारत से हुकाम बाला पाकिस्तान खान से भी लूंगा जो कि आप नए पाकिस्तान चला रहे हैं, आप कहते हैं टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, आप कहते हैं ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, तो ये है ट्रेड, ये है टूरिज्म, ये गिलगित बल्तिस्तान के तालिबान के साथ जो सलूक हो रहा है दूसरे तालुक है हम वावेदार कर रहे हैं। हमारे लोग जो है ना फाटकशी में मजबूर हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ से लोन लेकर दवाई हो चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमें मजबूरन आज मीडिया का प्रेस संवाद में आकर आपके सहारे से आपके वजारत से हुकाम वाला को बताना चाहते हैं कि कल को हम दाखिल भी जाएंगे, हम मुकम्मल बार को बंद करने के लिए जो है ना फिर मोहन चलाएंगे, शायद ये हुकूमत वहाँ के लिए बहुत जो है मुश्किल होगा। तो मेरी गुजारिश होगी फौरी तौर पर जो हमारा डेमोस्ट्रेशन हुआ है उस पर अमन बरामद हो और जो कार्गो काशगर के अंदर आकर बंद पड़ा हुआ है इस प्रोविजन के बाद हमारा तालिबान ने मंगवाया है क्योंकि उसको हम वाई सी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे ट्रेड को अब आज से लेकर जो नोटिफिकेशन हुआ है हमारे ट्रेड को उससे लेकर एक 30 दिसंबर तक प्रोटोकॉल गवर्नमेंट मुताबिक जो नोटिफिकेशन उस पर आपको यकीन है। शुक्रिया।